और योगी के यही राज्य में हम लोग दो पैसे कमाए हैं गाड़ी चलने ना, इससे पहले मैं साइकिल से चलता, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। देश को बांटने का काम करा धर्म और जाति के आधार पर, वो केवल केवल भारतीय जनता पार्टी ने करा। जब तक राहुल गांधी है तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, मोदी को कोई नहीं हरा सकता। जो कांग्रेस का बच्चा है जो अभी तक जवान चल रहा है, लग नहीं रहा 100% आएगा तो मोदी ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। राजनीति का क्या खेला है, एक तरफ अकेला तो दूसरी तरफ मेला है। आखिर 2024 में ये लड़ाई किस ओर जाने वाली है, आरक्षण बनने वाला है किंग मेकर या फिर जातीय जनगणना एक अहम लड़ाई बन करके सामने आने वाली है, इसी पे चर्चा करने के लिए आज गाजियाबाद में मौजूद हैं। हमारे साथ युवा वर्ग के भी लोग हैं और तमाम हर एक उम्र दरार के लोग मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जनता के जहन में क्या है, आखिर जनता 2024 के लिए किस तरीके से तैयार है, क्या उसके मन के विचार है, क्या कुछ वो कहना चाहती है, कितनी वो सरकार से खुश है तो कितनी नाखुश है, क्या लग रहा है 2024 नजदीक है और एक तरफ अकेला है और दूसरी तरफ मिला है, किसका साथ दे रहे हैं? अकेले का साथ देंगे जी। अकेले का साथ? क्यों ऐसा लगता है कि अकेला जो है एकदम ताबड़तोड़ तबाही मचाएगा? अकेला सॉलिड आदमी है। सॉलिड आदमी? यस, क्योंकि ऐसा है अकेले के साथ ना ऑपोजिशन भी है। अकेले के साथ में वो एक जो हमारे वो है ना एक बच्चा भी है, जो कांग्रेस का बच्चा है जो अभी तक जवान चल रहा है। हाँ। वो है ना, जब तक राहुल गांधी है तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, मोदी को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि सबसे बड़ा कंपेन अगर कोई करता है मोदी के लिए तो वो करते हैं राहुल गांधी जी। क्यों ऐसा लगता है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जो उम्मीदवार रहने वाले हैं वो इतने कमजोर देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के आगे, उनके जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी और जिस तरीके से आज वो लगातार हर एक लोगों के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं? या तो जो राहुल गांधी में कॉमन सेंस है नहीं, और या फिर वो जानबूझ के जिसको बोलते हैं ना एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला मामला। हाँ। तो वो एक जानबूझ के या तो सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, हमेशा वो बोलते हैं ना जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को रात कहेंगे। हाँ। तो हमारे जो राहुल गांधी जी हमेशा ऐसा करते हैं कि जब मोदी जी को जरूरत हो तो अपनी प्यारी सी स्टेटमेंट दे के वो मोदी जी की तरफ को हवा कर देते हैं। राहुल गांधी फैला देते हैं, क्या लग रहा है? मैडम लग नहीं रहा 100% आएगा तो मोदी ही, और ये बात राहुल गांधी भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि भाई युवाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं की सरकार में होगी। बिल्कुल भी युवाओं को दिक्कत नहीं है, जो विपक्ष कह रहे हैं उन्हीं के बच्चों को दिक्कत होगी, वो उनके बच्चों से पूछेंगे, उनके बच्चे भी चाह रहे हैं बीजेपी आए पापा ना आए। अगर देखा जाए परिवारवाद एक मुद्दा सबसे बड़ा उठाया गया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा था कि नीति ट्रिपल एन के जरिए काम होगा, तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म किया जाए। देखिए मैम, परिवार की बात है परिवारवाद की, तो सपा और कांग्रेस इनसे बड़ा परिवारवाद कोई है नहीं, और बीजेपी में आप बोलोगे तो बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं चलता है, आपको ही पता है अच्छे से। और मैं आपसे पर्सनल पूछना चाह रहा हूँ, आपका सर्वे क्या कहता है बताइए? हमारे सर्वे को छोड़िए, आप बताइए। मैम मोदी ही आएगा और 100% मोदी ही आएगा। जोशी जी क्या लग रहा है आपको? समाजवादी पार्टी में इतना कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की आशा का केंद्र और देश का भविष्य केवल माननीय अखिलेश यादव है, क्योंकि हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, पीडीए की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर, जाति जनगणना की मांग को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। आज जो भाषा माननीय अखिलेश यादव जी बोल रहे थे जाति जनगणना की, आज अन्य दल भी बोलने लगे, ये केवल केवल इसकी बात है। नंबर दो, हम लोग ओपीएस को लेकर जनता की अदालत में है। विपक्ष रोजगार की बात उठा रहा है, महंगाई की बात उठा रहा है, मेरे साथ युवा भी खड़े हैं, वो कह रहे हैं रोजगार में कहीं दिक्कत। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 1,21,000 का रोजगार बिहार सरकार ने देने का काम करा, दिसंबर में फिर 1,21,000 सरकार ने काम करा, रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार से लोग हमारे यहाँ रोजगार के लिए आते थे, अब हमें जाना पड़ रहा है। सरकारी नौकरियों की बात मैं कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर जो देश की जो प्रदेश को बांटने का काम करा धर्म और जाति के आधार पर, वो केवल केवल भारतीय जनता पार्टी ने करा, और निश्चित तौर पर ये अब जो इनका खेल है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपने देखा होगा कर्नाटक में, हिमाचल में, और अभी अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि आज क्या हुआ, वहाँ पर पूरा प्रशासन लगा, शासन लगा, फिर भी उत्तर प्रदेश में हमारी जीत हुई। पलायन के लिए बिहार लोग जा रहे हैं, क्या लग रहा है समय आ गया है कि अब पलायन के लिए बिहार? नहीं ऐसा तो नहीं है, ये जो है ये बिहार से हैं, बिहार से खुद यहाँ और खुद बिहार से आए, और दिल्ली में देखोगे ना, यूपी में देखोगे, सारे के सारे बिहार से तो लोग यहाँ आए हुए हैं। कोई पलायन नहीं है। यादव का बयान
बयान भी कल से वायरल हो रहा है कि योगी बाबा के राज में केवल घंटी बज सकती है, रोजगार नहीं मिल सकता, इसलिए सब बिहार भाग गया। अच्छा अच्छा, तो वो भी तो बेरोजगारी है देखा जाए तो एक तरह से। बिल्कुल, और क्या जी, मुख्यमंत्री बनने का सपने से लेके प्रधानमंत्री का सपना देखने से नहीं होता मैडम, सपना देखने से नहीं होता, कुछ करने से होता है। पापा ने उनके उनके, उनके पिता लोगों से बताइए नहीं, नहीं, उनके उनके पिताजी ने क्या किया बताइए हैं? अभी इतने सारे घोटाले उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको सीबीआई लगी हुई, ये लगा है और बाकी अभी इनके ऊपर भी है, ठीक है, तो फिर बेरोजगारी कहाँ है बिहार में? 10th pass 12th pass तो हम डिग्री बांटते हैं, अब बताओ डॉक्टरों की डिग्री बांट रहे हैं 10th और 12th pass, वो बंदे बेरोजगारों को रोजगार देंगे? बिहार का मुद्दा उठा रहे, क्या लगता है? मैम यहाँ पे तो योगी सरकार ही आएगा और मोदी जी ही आएंगे, ठीक है ना। हम लगभग जौनपुर से हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं, वहाँ पे ललई जी हमारे यहाँ मंत्री थे और विधायक भी रहे हैं वो, ठीक है ना। वहाँ भी कोई विकास नहीं दिखा मुझे आज तक, और प्रदेश में आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी अगर योगी की बात करें हम, योगी जी के ही राज में सब कुछ हो रहा है और योगी के ही राज में हम लोग 2 पैसे कमाए हैं गाड़ी चलने ना, इससे पहले मैं साइकिल से चलता, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इससे पहले हमारे यहाँ ऋतिक जी एक हैं, ऋतिक श्रीवास्तव जी, उनकी शादी भी बीजेपी सरकार में हुई है, उनको गाड़ी भी बीजेपी सरकार में मिला है, अखिलेश के सरकार में उनकी शादी नहीं हो रही, टकले हो गए थे बेचारे, अखिलेश के सरकार में बाल ही झड़ गए, बाल ही झड़ गए, कुछ नहीं था, ठीक है ना। बताइए जोशी जी, अखिलेश की सरकार में बाल झड़ गए, बता रहे हैं। और यूपी से हम यहाँ चले आए, थोड़ा सा और अगर थोड़े दिन और रहना हुआ तो हम चले जाएंगे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में, वहाँ पानी में नाव चलाएंगे, वहाँ पे बल्लू रोजगार है, वहाँ बहुत बढ़िया रोजगार है, वहाँ भी नाव चलाने को मिल जाएगा। आपको क्या लग रहा है? अच्छा, मतलब आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं के साथ हुआ है? एक मिनट, फिर बात करो, बात करो भाई। ये है मेरे भाई, ये ऋतिक जी हैं, ठीक है ना, हमारे साथ लगभग 7-8 साल से जुड़े हुए हैं, सपा के सरकार में इन्होंने पूरा ट्राई करा, शादी नहीं हुई इनकी, बीजेपी सरकार में हुई है शादी, इनको बीजेपी सरकार में गाड़ी मिला है, बाइक मिला है, इससे पहले एक बाइक दिखा दूंगा, बोरी लगा के आते थे, बाइक ले रखी थी, अब कार की प्लानिंग है, अब तो कार की प्लानिंग है। देखो भाई, जिनको शादी करनी है उनको बीजेपी सरकार लानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तभी शादी होगी मैम। देखिए गंभीर मुद्दा बता दिए हैं, क्या लग रहा है? ऐसा है, बहुत बढ़िया, हमारा तो जी प्रॉपर्टी का काम है, ठीक है, पहले प्रॉपर्टी का काम था बहुत मंदा, लेकिन जब से ये सरकार आई, इन्होंने जो अपने वो योजना चलाई प्रधानमंत्री आवास योजना, उसकी वजह से बहुत मकान बिके, और बाकी भी जो आज की रेट में आप देख रहे हो नोएडा में, गाजियाबाद में और जहाँ पे हमारा काम है, रोज रेट बढ़ रहे हैं, पिछले 2.5 साल में 3 गुने रेट हो गए, ठीक है। हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि पहले जो है ना 1% कमीशन जो बनती थी वो बड़ी कम बनती थी, पहले जो है 1 करोड़ का प्लॉट बेचते 1 लाख रुपये मिलते थे, अब वही हम 3 करोड़ का बेचते हैं 3 लाख रुपये मिलते हैं, तो हमारे लिए तो मोदी जिंदाबाद है। और बस वो मणिपुर के मुद्दे पर आखिर क्यों फिर चुप्पी साध ली जाती है? लू में जो घटना होती है मीडिया को क्यों रोक दिया जाता है? देखो जी, ऐसा है कि अगर तो हर एक मुद्दे पे किसी को बुलवाना है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक दिन क्या मतलब वो कई साल कम पड़ जाएंगे। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर नेता को, मैं बोल रहा हूँ खाली मोदी जी की बात छोड़ दें, आप अखिलेश जी को बोल दो सारे मुद्दों पर बोल लेंगे, या राहुल गांधी जी सारे मुद्दों पर बोल लेंगे, तो मुद्दा ये है, राहुल जी तो सारे मुद्दे पे बोल लेंगे, आप कुछ भी बुलवा लो, सोना निकाल देंगे पता नहीं आलू डाल के, बल्कि जो नहीं भी बोलना होगा वो उस मुद्दे पे भी ऐसा बोल देंगे जो मुद्दे वाला नहीं बोल पाएगा, उस मुद्दे पे बोल देंगे जिस मुद्दे का हमें पता भी ना हो कौन सा मुद्दा है। बताइए जोशी जी, इंडिया गुड है, आपका पूरा तैयार है, 26 दल है, सब भारी पड़ रहे हैं? 26 दल जरूर हमारे साथ है, लेकिन वो 44 दल है उसमें साथ है, एक अकेला मोदी नहीं है, 44 दल साथ में, और कई ऐसे दल है जिनके एक भी MP नहीं है, लेकिन हमारी विपक्ष की कितनी सरकारें हैं देश में देखिए ना, और अभी 3 तारीख को परिणाम आ रहा है, अभी लोग हिमाचल हारे हैं, अभी ये लोग अभी वहाँ पर कर्नाटक हारने का काम करा। पांचों विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है कि इंडिया जीतेगा? इंडिया जीतेगा, मुझे ऐसा है कि इंडिया तो हमेशा जीतता ही है, लेकिन ये जिसे कर रहे हैं ना तो वो इंडिया है ही नहीं, ठीक है, वो तो ऐसे तो एक दिन तो पाकिस्तान भी अपना नाम इंडिया रख देगा, अगर इस हिसाब से अगर ऐसे जिताना होगा किसी को तो, ठीक है, खाली ये स्पेलिंग जोड़ के कुछ भी बनाने से ना, एब्रीवेशन बनाने से कोई नहीं जीतता है, बेसिक जो ग्राउंड पे काम होता है उससे हार या जीत डिसाइड होती है, ऐसे नहीं कि कोई और जिम्बाब्वे की टीम अपना नाम इंडिया रख देगी तो वो जीत जाएगी, जिसमें जैसे खिलाड़ी होंगे, जैसा उनका फुटवर्क होगा, जैसा उनका फील्ड वर्क होगा, उसके हिसाब से जीते हार होती है, नाम से कुछ नहीं होता है।
महंगाई के मुद्दे पे क्या लग रहा है? महंगाई का मुद्दा? महंगाई कहाँ है? कहीं महंगाई नहीं है, बताइए कहाँ महंगाई है मैम? किस चीज की महंगाई? कुछ महंगाई नहीं है, केवल मैम एक पेट्रोल की मैम पेट्रोल की महंगाई लेके बोलते हैं लोग, ठीक है ना? आज के डेट में किसी को बता दो गाड़ी में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ आज के डेट में चल रही है। इससे पहले आपने देखा था गांव में, लगभग अगर हम 20 साल पहले चले जाएं, किसी के पास साइकिल नहीं हुआ करता था। तब तेल कितना था, क्या रेट था? तब तेल सस्ता था ना, तब महंगा के मामलों में कितना देखते मैम? क्राइम तो अब कुछ भी नहीं है, बताइए कौन क्राइम कर रहे हैं इस टाइम पर? कुछ नहीं है, क्राइम नहीं है, इनकाउंटर हो रहा है केवल। बहुत इनकाउंटर हो रहा है, जो क्राइम करेगा इनकाउंटर होगा। मेरठ में जिस तरीके से उसके साथ में हुआ, उसका युद्धोत्सव मेरठ उरठ का छोड़ दो आप, बनारस में जो हुआ क्राइम की संख्या तो बढ़ रही है। बनारस में क्या हो? अरे मैम ये सब चलता रहता है, कौन से सरकार में नहीं हुआ? ये सब हर सरकार में हो रहा है, कौन से ऐसे सरकार में? सपा सरकार में नहीं हुआ है क्राइम? सपा सरकार में नहीं हुआ क्राइम? सबके सरकार में हो रहा है। राहुल जी अब भारत यात्रा जोड़ कर रहे हैं, इससे पहले जब सत्ता में थे कभी गए थे पैदल कहीं? गए थे कहीं? बस चुनाव 40 लोग एक साथ हो गए, अभी 45 हो गए, फिर 60 होंगे, लेकिन जीतना नहीं है किसी को। विपक्ष तो कह रहा है कि 41 मजदूरों के पास क्यों नहीं जा पा रहे हैं नरेंद्र मोदी? 41 मोदी जी ने जाना है वहाँ पे, राहुल गांधी जी चले जाए वहाँ पे, वो खोद के निकाल लेंगे वहाँ से, उनकी कोई एक्सपर्टीज है? अगर मुझे ये बताओ कि भाई जहाँ पे जिसकी जरूरत होगी तो वही तो वहाँ जाएगा ना। अगर मेरे को बताओ कि कहीं पर ढोल बजाना होगा तो ढोली को लेके जाएंगे, मोदी को लेके जाएंगे। देखिए 41 मजदूरों के पास मोदी जी, आदरणीय मोदी जी इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि अगर 41 मजदूरों में से एक भी ऐसा मजदूर होता जो चार चुनाव जहां हो रहे हैं, चार पांच राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, एक भी मजदूर अगर वहां का होता तो मोदी जी वहीं से कह देते ये मजदूर मेरे घर का है और वहीं पर डेरा डाल देते। लेकिन इत्तेफाक है कि चुनावी राज्यों का कोई मजदूर नहीं है। हाँ किसी व्यापारी का व्यापारी फंस जाता या व्यापारी की पत्नी फंस जाती, व्यापारी का बेटा फंस जाता तो निश्चित तौर पे ये सरकार वहीं पे आपको दिखाई देती। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि 41 मजदूरों के वहां पर स्थिति बहुत खराब है और आज तक नहीं निकल पा रहे। और आदरणीय मोदी जी का कौन चला गया जोशी जी? अगर ऐसी बात है तो ये विपक्ष ही तो आवाज उठा रहा है, और कौन उठा रहा है? बाकी तो मोदी जी तो चुनावी रैली कर रहे हैं, इसलिए नहीं गए कि 41 मजदूर जो है चुनाव के कोई भी नहीं था। लेकिन विपक्ष का फिर आदमी क्यों नहीं पहुंचा? क्यों केवल मोदी जी के लिए चुनाव? हमारे साथी कॉमरेड सतीश जी हैं, वो वहाँ पर गए, हमारी पार्टी के जो महन शुभम गिरी है प्रदेश सचिव है हमारे उत्तराखंड के, वो लोग जाने का काम करे, लगातार कई लोग वहाँ पर जाने का काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लेकिन पहुँच नहीं पा रहे हैं। एक काम बताएं कि देखो अगर बाकी सबके छोटे मोटे नेता पहुंचे तो धामी जी भी पहुंचे थे वहाँ पे, जब चीफ मिनिस्टर पहुंच गया, ठीक है, मोदी जी ने पे स्पेशल फावड़ा लेके जाना है कोई, तो जब जहाँ पे देखो नेता का काम है कि वहाँ पे सहूलियत पहुँचा देना। अगर हमारे पास कोई सुविधा पहुँच रही है, अगर बुढ़ापा पेंशन आती है किसी बुजुर्ग आदमी को, मेरी माता जी को बुढ़ापा पेंशन आती है, तो मोदी जी हाथ से देने आते हैं, ठीक है, वहाँ से जो जिसने देनी है डिपार्टमेंट ही तो करता है। तो और जहाँ तक आप क्राइम की बात कर रहे थे अभी मैडम, अगर पर यूनिट क्राइम देखो, अगर NCRB का डाटा देखोगे तो पर यूनिट पॉपुलेशन मतलब 100 बंदों में कितना क्राइम होता है, उससे ज़्यादा यूपी तो नीचे से गिनना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा, और अगर आप वैसे देखोगे तो क्राइम सबसे ज़्यादा दिल्ली में होता पर हाईलाइट नहीं होता। अब चौथे पांचवें नंबर पे NCRB के सर्वे निकाल के देखोगे है तो फिर दिल्ली पुलिस पे सवाल उठ जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ जी किसी पे भी उठाओ, मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छी बात है, जहाँ पे उठाने हैं सवाल वहाँ पे उठाओ ना। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बलात्कार में नंबर वन हो रहा है, और वो भी पर यूनिट पॉपुलेशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है बाकी सारों के मुकाबले में। क्या लग रहा है कि आखिर क्या कुछ रिजल्ट आते? देखो जी सबसे ज़्यादा सारे जगह पे BJP आनी है और इसके अलावा कुछ नहीं आना है। अभी मैम 20 साल भूल जाओ, कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी 20 साल भूल जाओ, कोई नहीं आना है, केवल BJP आएगा बस। बिल्कुल BJP आएगी मैडम, उनसे बोल दो मोदी सरकार आएगी मैम 100%। कंबल लेके सो जाएं 20 साल तक कर रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे को जोड़ रहे हैं बेचारे कि मोदी जी को हराना है, योगी जी को हराना है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं लगता है कि अगर उदाहरण के तौर पे देखे जाए, अगर मुट्ठी इकट्ठी हो जाए तो उसको खोलना जो है? अरे मैम मुट्ठी इकट्ठा हो जाए, हाथ तो यहीं से ठीक तब बंधेगी ना, जब हाथ लगेगा तो कैसे बंधेगी मुट्ठी, कैसे लगेगा? फिलहाल आखिरी सवाल लेंगे, 2024 में क्या लग रहा है? लेकिन निश्चित तौर पर PDA जीतने वाला है, इन 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं। BJP जीतेगी, कोई डाउट नहीं, BJP
बीजेपी में, बीजेपी में, बीजेपी में, बीजेपी, बीजेपी योगी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय हो। बहुत देर से वीडियो बना रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैम मोदी ही आएगा, मैं तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे, तो इतनी बदमाशी जब होती थी अखिलेश के राज में, जब कहाँ थे ये, घर बैठे हुए थे अपने, बदमाशी नहीं होती थी, ये बताओ ना, हर जगह बदमाशी होती, अब तो नहीं होती, अब सीधा गाड़ी पलटती है, अगर ये ज्यादा बोलेंगे ना तो इनके ऊपर भी फावड़ा चलने वाला है, थोड़े दिन रुक जाओ, वीडियो तो वक्त बदलेगा नहीं, अब भी नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा, कब कब बदलेगा, 2027 में बदलेगा या 28 में बदलेगा, अभी ही बदलेगा और बीजेपी को कोई नहीं रह सकता। कहना था मैम, हमको ये कहना था कि इसके पहले भी अखिलेश मायावती के साथ गठबंधन की थी, बहुत सारे गठबंधन किए, बस जैसे चुनाव खत्म हुआ, योगी सरकार आई, सब गठबंधन खत्म हो गए, तो मैं इनसे साहब से पूछना चाहूँगा कि बबुआ और बुआ की जो अभी गठबंधन का क्या हुआ, थोड़ा सा बताया भाई, बताइए जोशी जी, बबुआ और बुआ के गठबंधन का। देखिए राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान भी कहा जाता है और विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, और निश्चित तौर पे हम लोगों ने प्रयोग करने का काम करा, उन प्रयोग से सीखने का काम करा। अभी घोसी में ऐतिहासिक हार भारतीय जनता पार्टी को है, योगी जी लड़े, पूरे मुख्यमंत्री लगे, दोनों पूरे देश के मंत्री लगे, सांसद लगे, MLA लगे, लेकिन जनता ने इनको खाली कर दिया, क्योंकि PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज। मैं रिप्लाई देना चाहूँगा इसके, गठबंधन का काम एक साबुन जैसे होता है, जैसे साबुन से हम लोग हाथ धुल नहाते हैं, बाद में वो छोटा सा हो जाता है, उसको इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा करने के बाद वो लैटरिन करने के बाद साफ करने का काम आता है, बाकी गठबंधन का कोई काम नहीं है, आने वाला है अपना बुलडोजर बाबा और केंद्र में आने वाले हैं मोदी जी। तो मैं कहूँ चर्चा जो है लगातार चलती रहेगी, फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ पर, कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।